हेलो विश्या माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चकास। तो गाइस हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइस फाइनली यहाँ पे विश्या माय के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग से इवेंट आ चुकी है, जिसके लिए आप लोगों को ज़्यादातर मेहनत नहीं करनी, बट उसके थ्रू गाइस आप लोगों को यहाँ पे परमानेंट पैराशूट मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही मस्त सा यहाँ पे ड्रैगन वाला पैराशूट देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे नॉर्मली इवेंट के ऑप्शन में जाना है, लेकिन 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 उससे पहले इवेंट बताने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि 30K सब्सक्राइबर होने में बस थोड़े बहुत सब्सक्राइबर कम है। गाइज यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे विन इन सेंटोरिनी करके एक न्यू इवेंट देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको नॉर्मली यहाँ पे आ जाना है। ये वाली इवेंट आप लोग देख सकते हो 15 तारीख से स्टार्ट हुई है और 30 तारीख तक चलने वाली है, मतलब कि कम से कम गाइज यहाँ पे 15 दिन की इवेंट है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो हम लोगों की 8v8 डीएम मैप है ना, उसके अंदर सिर्फ गेम यहाँ पे खेलनी है। जैसे कि आप लोग देखो, फर्स्ट मिशन के अंदर यहाँ पे लिखा है प्ले वन टाइम इन TDM मोड 8v8 मैप। तो गाइज जैसे ही आप लोग 8v8 मैप के अंदर एक मैच यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये पैराशूट मिल जाएगा, जिसका नाम ड्रैगन टोटम पैराशूट है, बट ये आप लोगों को यहाँ पे 5 दिन के लिए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे तो जैसे ही आप लोग 8v8 TDM के अंदर 2 मैच कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। 5 मैच जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को एक सप्लाई का कूपन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो 8v8 के अंदर अगर आप लोग 10 मैच कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक क्रेट भी देखने को मिलेगा। और लास्ट में आप लोग देखोगे ना तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 20 मैच TDM के अंदर 8v8 कंप्लीट कर लेते हो तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो परमानेंट पैराशूट है वो मिल जाएगा। जो कि पैराशूट का लुक एक बार आपको वापस दिखा दूँ तो देखो ड्रैगन टोटम पैराशूट है और देखने में बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। जो सर्कल वाले पैराशूट होते हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो गाइज ये मिशन को आप लोगों को कंप्लीट कैसे करना है, तो इसके लिए नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पे मैप के अंदर चले जाना है, जिसमें अनरैंक के अंदर आप लोगों को सेकेंड नंबर पे एरिना देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो 8v8 टीम डेथ मैच आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेंटोरिनी मैप लिखा है, और उसके साथ आप लोगों को 8v8 एरिना ट्रेनिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे मैप के अंदर तो TDM लिखा है, तो TDM का मतलब यहाँ पे टीम डेथ मैच होता है। अगर इन लोगों को यहाँ पे 8v8 ही सिर्फ लिखना था तो उसमें 2 मैप काउंट हो जाते, जो कि 8v8 टीम डेथ मैच हो जाता और 8v8 एरिना ट्रेनिंग हो जाता, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे टीम डेथ मैच ही लिखा है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे जो सेकेंड लाइन के अंदर जो दिख रहा है 8v8 टीम डेथ मैच, उसको लगा के गेम को खेलना, और जैसे ही आप लोग टोटल 20 गेम यहाँ पे खेल लोगे तो आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मैच को जीतो, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर आप लोगों को खेलना ही है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं भी हो तो 8v8 टीम डेथ मैच लगा के आप लोग यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर देना, फिर इधर उधर अपना काम निपटा लेना, भले आप लोग गेम खेलो ना खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट गेम के अंदर लास्ट तक रहना। जैसे ही एक गेम आप लोग फिनिश कर लोगे तो आपका एक काउंट होगा, ऐसे करके टोटल 20 मैच आप लोग फिनिश कर लेते हो तो आप लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस एक बार आप लोग 8v8 एरिना ट्रेनिंग लगा के भी देख लेना कि इससे मिशन काउंट होता है कि नहीं, बट ज़्यादातर मुझे यही लगता है कि नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग 8v8 टीम डेथ मैच जो सेंटोरिनी है उसको लगा के ही आप लोग यहाँ पे खेलना। तो आई होप आप लोग अच्छे से इवेंट को समझ गए होंगे। गाइज ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।